अब अर्जुन आ गया है माँ, करण भी आएगा। एक लड़का है जो अपने आप को शाहरुख खान बोलता है, शाहरुख खान की तरह एक्टिंग करता है। आई लव यू शाहरुख। देवा की अदालत में माफी नहीं, सजा मिलती है। सुनी पड़ी है मारकेट मेरी नजरों में। ये लड़का हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। नाज़रीन, एक लड़का है जो अपने आप को शाहरुख खान बोलता है, शाहरुख खान की तरह एक्टिंग करता है और बहुत सारी इंटरव्यूज दे चुका है, लोग उसको बहुत ज़्यादा जानने लगे हैं, लेकिन वो लड़का है कौन, उसका असल नाम क्या है और वो करता क्या है, उनसे मिलते हैं। उनसे मिलने ही आए हैं लेकिन वो बहुत नखरे कर रहे हैं। चलाइए आपको भी दिखाती हूँ और उनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर वो है कौन। क्या नाम है आपका? नाम तो वैसे जावेद जमशेद है लेकिन प्यार से SRK, शाहरुख। शाहरुख खान कहने की वजह क्या है? शाहरुख खान के कोई खासा फैन है? फैन तो मैं बहुत हूँ उनका, लेकिन क्या करूँ, फैन ही बनकर रह गया। मुझे ये बताइए, करते क्या हैं आप? मैं गाड़ियों के वाइपर सेल करता हूँ और इसी में माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है सब खुश होके, हर काम मेरा हैप्पी है। और इस मार्केट में, जीवन मार्केट में, वापटा टाउन, हर जगह पे होता हूँ मैं। उनको देख देख के फॉलो किया है या शुरू से ही सोचा था कि भाई शाहरुख खान की तरह एक्टिंग करनी है, या खुद से ही आया? नहीं, मैं तकरीबन जब 10 ईयर का था तो तब से मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन बन गया था। फर्स्ट मूवी देखी थी उनकी मैंने, करण अर्जुन, उसमें मैंने जब शाहरुख की ओवर एक्टिंग देखी ना, मैं उनकी ओवर एक्टिंग का बहुत बड़ा दीवाना हो गया। जहाँ से वो कहता है अब अर्जुन आ गया है माँ, करण भी आएगा। शाहरुख खान के अलावा किस एक्टर की आप मिमिक्री कर सकते हैं बहुत अच्छी वाली? एक्टर्स तो हमारे दिल में आपको पता ही है कि सिर्फ एक है SRK। वैसे इसके अलावा के काफी एक्टर्स हैं जिनकी मैं मिमिक्री करता हूं, जैसे कि सुनील शेट्टी, सनी देओल, नाना पाटेकर, राजकुमार, अमरीश पुरी, इनकी मैं आवाजें कॉपी करता हूँ। मुझे सबकी आवाजें कॉपी करके दिखाएं। सनी देओल की आवाज है जैसे कि देवा मूवी है उनकी, एक देवा की अदालत, उसमें पुलिस वाले को पकड़ता है वो और पुलिस वाला उसको कहता है देवा भाई मुझे माफ कर दो। अब देवा भाई सनी देओल तो पुलिस वाले को क्या कहता है, कहता है देवा की अदालत में माफी नहीं, सजा मिलती है, और वैसे भी देवा के आदमियों ने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है, इसलिए देवा तुम्हें सिर्फ मौत के अलावा कोई सजा नहीं दे सकता। ए कृष्णा, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, मैं आ गया हूँ। कृष्णा तेरा भाई आ गया है, आंखें खोल कृष्णा, आगे बात मत करना मेरे भाई, मत करना। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक खटमलपुर रात को अपाहिज कर देता है साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सुबह घर से निकलो, भिड़का के साथ बनाओ, शाम को घर जाओ, दारू पिए, बच्चे पैदा करो, सुबह तक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है, मगर क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है तुम्हें गाना भी आता होगा, तो मैं आज तुमसे गाना भी सुनूंगी, कभी किसी ने सुना नहीं होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे गाना सुनाओ। चलो, गाना तो मैं सिर्फ अपने कारोबार पर ही सुना सकता हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं, जैसे कि हालात जा रहे हैं, जैसे कि महंगाई जा रही है, इसके मौजू पर एक गाना है, दो लफ्ज है, सुनाओ सुनाओ। सुनी पड़ी है मार्केट मेरी नजरों में, रोजी है बस रोजी है इन रबड़ों में। आपको कभी कोई फिल्म्स की ऑफर हुई हो? अगर फिल्म की ऑफर और मुझे, हाँ मुझे, मैडम जी शायद आप भूल गई है कि ये पाकिस्तान की कंट्री है, यहाँ पर फिल्म की ऑफर उसी को मिलती है जिसके पीछे सपोर्ट हो या जिसकी जेब में पैसा हो। अपुन तो कंगला है, अपुन को कैसे मिलेगी? मतलब ये वाला शाहरुख खान कंगला है, नहीं मिलेगी इसको? नहीं, नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ मैं अपने नसीब के बारे में एक जरूर बात करूंगा कि जब ऊपर वाला मेरी किस्मत बदलेगा तो शायद मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना पैसे की और ना सपोर्ट की। कोई अपना मनपसंद डायलॉग जो शाहरुख खान के लिए कहो कि भाई मुझे ये शाहरुख खान के लिए बहुत अच्छा लगता है या उनके मुँह से बहुत अच्छा लगता है, और वो फॉलो करो और वो सुना दो मुझे। वो डर मूवी है उनकी जिसमें वो आई लव यू किरण कहता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि आई लव यू शाहरुख, आई लव यू, क्योंकि हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं।
होप सो कि शाहरुख खान भी आपको बोले आई लव यू टू, तो ये तो फिर बहुत बड़ा अजूबा हो जाएगा। हाँ, हम अपने आप को बहुत बड़े खुश नसीब समझेंगे कि जब शाहरुख हमें कहेगा आई लव यू मिनी शाहरुख का। 10-12 साल में मिमिक्री जो एक्टिंग आप कर रहे हैं, इसमें कोई फायदा भी हुआ है कि नहीं हुआ? सिर्फ एक ही फायदा हुआ है और वो ये है कि लाहौर में जावेद से शाहरुख खान बन गए होंगे। मतलब जावेद आपका जो नाम है, असल नाम है, जो आपकी शनाख्त है वो खत्म हो गई और शाहरुख खान से लोग आपको जानने लग गए। अब तो मुझे डर लगता है कि आईडी कार्ड बनवाते वक्त भी कभी नादरा वाले ये ना कह दे कि भाई तू शाहरुख है, तू जावेद कैसे। आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो मैं चाहूंगी कि हम शाहरुख खान है वही वाइंड अप करें अपने डायलॉग से, जो खत्म करें वो प्रोग्राम। तो ये माइक आपके पास है, प्रोग्राम खत्म करें। माइक, अरे माइक तो मेरे पास है लेकिन ये तोप भी तो मेरे पास है। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी। हाँ, अगर जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, और जिसको अच्छी ना लगे तो डिलीट मत कीजिएगा यार, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ओके, सो गाइस सबको मेरी तरफ से आई लव यू।